आज गायत्री परिवार में बड़े उत्साह के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी परिवार मन कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अवतार थे और अवतार होने के नाते उन्होंने जो भी क्रांति की वो क्रांति सबको मालूम है। आज के दिन भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद वद आज से 5200 साल पहले उनका जन्म हुआ। और जो जन्म हुआ उसके साथ साथ उन्होंने अपना आना भी स्पष्ट कर दिया कि वो किस लिए आए हैं। अपने ऊपर एक टोकरी में रखकर यमुना पार करके, वो यमुना ने भी रास्ता दे दिया उनको, वसुदेव को, और रास्ता दिया और वहाँ से होते हुए निकल करके वहाँ आ गए। और वहाँ आकर के नंदगांव आकर के उन्होंने पूरी तरह से अपना जीवन जो है बिल्कुल एक बालक की तरह से बिताया। एक छोटा सा बालक कैसे होता है, जाते ही उन्होंने अपनी लीला रचानी चालू की। न जाने कितनी प्रकार की बातें हैं, आप सबको मालूम है, फिर भी मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा। उन्होंने अपने सामने उन सब असुरों को मारा जिन असुरों को कंस ने भेजा था उनको नष्ट करने के लिए, क्योंकि उसको अंदाज तो हो गया था कि मुझे मारने वाला आ गया है। जब मुझे मारने वाला आ गया है तो मुझे भी मारना पड़ेगा उसको। उन्होंने भगवान कृष्ण ने भगवान नहीं बने थे, भगवान श्री कृष्ण थे, बाल कृष्ण थे, और बाल कृष्ण होने के नाते उन्होंने जो जो लीलाएं रच सकते थे वो रचे। आप सबको मालूम है कि एक पेड़ के रूप में एक वानर का ना एक दानव खड़ा था, उसके बीच में से निकल गए और उसको फाड़ दिया पूरी तरह से। पूतना को उन्होंने दूध पी करके और जहर से मार दिया उसको। इस तरह से कई प्रकार की लीलाएं रची भगवान ने। और भगवान ने सबसे बड़ी बात यह कि कहीं भगवान दिखे नहीं बचपन में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भगवान कृष्ण अपने बाल साथियों के साथ माखन खाते थे। माखन का कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था उनको, पर वो बांटने के लिए। दूसरी बात यह कि भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने कंस की जो अत्याचार था उससे जूझने के लिए ये काम किया। कंस ने क्या किया था कि दूध सारा और मक्खन और घी और सब इकट्ठा करके मंगा लेता था ताकि उसकी जो रानियां हैं वो सब के सब दूध से नहाएं, गाय के दूध से नहाएं, भैंस के दूध से नहाएं। अगर वो नहाएंगी तो उससे क्या होगा, उनको गोरापन मिलेगा उनका। और उसकी अगणित स्त्रियां थीं। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध जो नर नारी हमारे ब्रजवासी हमारे जो लोग हैं वो निकालते हैं, गाय का मेहनत करते हैं, गाय को चराते हैं, वो कैसे कर सकते हैं कि इसका दूध जो है वो किसी को भी जा सकता है। नहीं, कंस के पास नहीं जाएगा। कंस को दूध देना बंद कर दिया गया और कंस ने इसके लिए कई तरह के असुर बिठाए और ये सब किया। इसके बाद अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ा जो प्रकरण है वो है गोवर्धन का। उन्होंने कहा इंद्र की पूजा नहीं होगी, इंद्र एक सामान्य देवता है और उसकी पूजा नहीं होगी। अब जब इंद्र की पूजा नहीं होती थी तो पानी गिरने लगा, वरुण को उन्होंने आदेश दिया कि भाई पानी गिरा और पानी गिरने से बाढ़ आ गई पूरी पूरी से, जैसे आजकल बाढ़ आ जाती है ऐसे बाढ़ आ गई और ब्रज डूबने लगा। भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे, छोटी उंगली पे, ये वाली आप जानते हैं छोटी उंगली कौन सी होती है, छोटी उंगली पे पूरे पूरे गोवर्धन उठा लिया और गोवर्धन पर्वत उठाया और उसके नीचे सबको बुला लिया, सब आ गए उसके अंदर और कोई भी नहीं डूबा, सब ठीक से हो गया। ये जो लीलाएं हैं ये अवतारी लीला है।
अवतार जब आते हैं तो वो असंभव काम संभव करके दिखा देते हैं। असंभवम संभव कर्तुम उद्यतम प्रचंड झंझा व्रतिरोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकालम नमाम्यम। महाकाल जो हैं उनको एक असंभव काम करने के लिए भेजते हैं। भगवान ने गीता में कहा, गीता उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो भगवान ने गीता में कहा कि जितने भी ये कार्य हैं मेरे द्वारा जो किए जा रहे हैं ये पूरे के पूरे वो करेगा, हमारा शिष्य अर्जुन करेगा। तो अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया गीता में उपदेश दिया। और गीता में उपदेश देते समय अर्जुन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो काम है इस काम में तुम्हारा योगदान तो जरूर होगा पर करेंगे अगणित लोग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम आज याद करते हैं उनका दिया हुआ उद्घोष, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब ग्लानि बढ़ जाती है धर्म की, असंभव काम होने लगते हैं और ऐसे होने लगते हैं जो गड़बड़ होने लगते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मित्रों ये भगवान का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ और हर युग में आकर के मैं वास्तव में सही अर्थ में अपने माध्यम से इस कार्य को संभव बना देता हूँ कि अगर जनता इकट्ठी हो जाए, जनता का संघ इकट्ठा हो जाए और जनता का पावर इकट्ठा हो जाए तो देखते देखते सारे असंभव काम संभव होते जाते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन, पूरा जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, दुर्घर्ष बड़ा ही कठिन, और इतनी कठिनाइयाँ कि पहले वो वहाँ जूझे गोवर्धन पर्वत खड़ा करते समय, फिर उसके बाद वहाँ से वो आ गए मथुरा आए तो उन्होंने सबसे पहले कंस को मारा, फिर उसके बाद कंस चाणूर मर्दनम, कंस का जो सबसे बड़ा विलक्षण सिपाही था जो मल्ल था, मल्ल क्षेत्र चाणूर, उसको मारा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मारने के बाद उन्होंने चुनौती दी कंस को कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे मेरा। इसके पश्चात उन्होंने जरासंध के लिए योजना बनाई, इसके बाद उन्होंने सारी की सारी योजना बनाई जो अनीति करने वाले लोग थे उनके लिए पूरी के पूरी, और उसका नाम है महाभारत। महाभारत जो बना वो इसीलिए बना कि महाभारत में कई लोग थे शामिल, अर्जुन और युधिष्ठिर, पूरा पांडव परिवार और पूरा के पूरा कौरव परिवार। और कौरव परिवार में भी वो सब शामिल थे जिनके संबंध पांडव परिवार से भी थे, उसमें भीष्म पितामह भी थे, उसमें कर्ण भी थे, और उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो कि बड़े विद्वान माने जाते थे पर उनको नीति के नाते उनको उधर से लड़ना पड़ा। और इधर से पांच पांडव और उसके साथ साथ रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण सारथी बने। श्री कृष्ण विनम्र होता है, अवतार विनम्र होता है, अवतार बड़ा विलक्षण होता है। अवतार आता है किसी विशेष काम को करने के लिए आता है, तो जब अवतार के रूप में वो आए तो उन्होंने कहा मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा। अब रथ को चलाया उन्होंने और रथ को चलाने के साथ साथ उन्होंने बीच बीच में गाइड भी किया अर्जुन को, जैसे कर्ण को जब मारना था तो कर्ण को मारने के लिए उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। जिस समय कर्ण का पहिया कीचड़ में धंस गया उस समय उन्होंने अर्जुन से कहा कि मार, तीर मार, नीति पुरुष। ये अनीति नहीं है, ये नीति पुरुष होते हैं जो नीति के आधार पर निर्णय लेते हैं और अपनी बात कराते हैं। चाहते तो सारा महाभारत केवल कृष्ण जीत सकते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान कृष्ण जिस प्रकरण के लिए आए थे वो था कर्मयोग का संदेश,
असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, असंग के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक तू तीनों जड़ों को काट दे। कौन सी जड़ें हैं? ये हैं तृष्णा, वासना, अहंता। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, ये सारे के सारे विलक्षणताओं से भरे हैं। पूरा के पूरा गीता का जो प्रकरण है वो इतना विलक्षण है, यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि गीता से बड़ा कोई कर्मयोग का विधान नहीं है, गीता से बड़ा कोई जीवन को जीवन शास्त्र नहीं है। गीता वास्तव में भगवान कृष्ण की पूरे विश्व समुदाय को इतनी बड़ी देन है कि क्या कहा जाए। बहुत ही विलक्षण, बहुत ही विलक्षण। मैंने साल भर तक क्लासेस ली हैं बच्चों की, साल भर मतलब 2003 से आज, जब तक ये इसकी वजह से बंद हुआ कोरोना की वजह से, तब तक मैंने क्लासेस ली हैं। और मैंने एक ही बात सुनाई है कि आपको भगवान कृष्ण का संदेश समझना पड़ेगा कि किसी भी हालत में अनीति से समझौता मत करो, किसी भी हालत में अपने आप को ऐसे कर्मों के साथ मत जोड़ो जिन कर्मों से आपकी आत्मा का पतन होता हो। भगवान कृष्ण के हर अध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छह अध्याय जो है ये अध्याय कर्मयोग है, कर्मयोग का अध्याय है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो छह अध्याय हैं ये भक्ति योग है, और 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो छह अध्याय हैं ये हैं पूरी तरह से ज्ञान योग। इन तीनों योगों को जिसने समझ लिया, योग त्रयी जिसके जीवन में आ गई, उसका जीवन निहाल हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने केवल युद्ध ही नहीं किया, भगवान कृष्ण ने सही अर्थों में अपने जीवन से प्रेरणा दी और अर्जुन को खड़ा किया। अर्जुन ने लास्ट में जब कहा है भगवान कृष्ण से कि आपके द्वारा दिए गए निर्देश से मुझे समझ में आ गया है कि क्या करना है मुझे, और फिर युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, क्या युद्ध जरूरी था? हाँ, युद्ध जरूरी था। ये युद्ध आज भी जरूरी है, आज भी जहाँ जहाँ देखें अनीति बढ़ती है, असुरता बढ़ती है, तो ऐसे लोगों को खड़ा करता है भगवान। आसुरी सत्ताओं से लड़ने के लिए भगवान पूरी परेशानियाँ मिटाने के लिए खड़ा होता है। आज अगर आपके मन में निराशा आती है कहीं, तो आप समझ लीजिए कृष्णावतार किसी न किसी रूप में आएगा। कृष्णावतार प्रज्ञावतार के रूप में, निष्कलंक प्रज्ञावतार के रूप में आएगा। और परम पूज्य गुरुदेव स्वयं कह गए हैं कि ये समय बड़ा जटिल है, और इस जटिल समय में निष्कलंक प्रज्ञावतार का अवतरण का समय है। ये जो मित्रों, ये जो चीज़ है मैं बताना चाहता हूँ, इसको समझने के बाद आपके जीवन में कहीं किसी तरह की परेशानी रहेगी। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक काट दो इनकी जड़ों को। इनकी जड़ों को वासना, तृष्णा, अहंता, बस इतना हो जाए तो फिर आप जो है एक महामानव बन जाएंगे। मैन मेकिंग फिनोमिना, व्यक्ति निर्माण योजना, ये गीता का मूल मंत्र है, मैन मेकिंग फिनोमिना। और किस तरह से बनना चाहिए उसके लिए वो संदेश देते हैं जगह 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 जगह। ये कहते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने आप को बनाइए, अपने आप को डेवलप करिए, और डेवलप करने के लिए क्या करें, आप अपने अंदर की कमियों को निकालिए। कमियां क्या हैं? बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि आप अपने अंदर की जो दुर्गुण हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं। गीता मित्रों सबको पढ़नी चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि गीता शास्त्र है, गीता शास्त्रमिदं प्रोक्तम, ये कहा तो है भगवान कृष्ण ने, पर इससे इसको समझने के साथ साथ इसको जीवन में उतारना भी पड़ेगा। जब जीवन में उतरेगा गीता शास्त्र, तो आपको कर्म करने की एक सिद्धांत मिलेगा, एक
कर्मयोग का सिद्धांत उन्होंने दिया है कि कर्मयोग जो है वो अगर आप करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो कर्मयोग के माध्यम से आपका जीवन महान बन जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। योग दुख नाशक होता है, योग दुख नहीं देता। लोग कहते हैं हमको योग करते हैं तो बड़ा दर्द होता है पैरों में। अरे वो योग है, वो योग थोड़ी। भगवान कृष्ण का योग जो है वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जीवन में उतरेगा तो योग दुख नाशक हो जाएगा। कैसे? युक्त आहार, खाने पीने में संतुलन, विहार, जीवन शैली में परिवर्तन, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और सारी चेष्टाएं, सारे कर्म हमारे विधि व्यवस्था से चलें। युक्त स्वप्नावबोधस्य, हम नींद भी लें तो समझदारी के साथ लें। ऐसा नहीं कि शाम तक, देर तक, अपने 11 तक, 12 तक, 1 तक देखते रहे अपने व्हाट्सएप को और उसके बाद आपने नींद ले ली तो रात भर नींद में वही चीज़ें आती रहेंगी आपके। या फिल्म देखते रहे, या कमेंट्री देखते रहे, ये जितनी चीज़ें हैं ये आपके जीवन को गड़बड़ा देंगे। इसलिए युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, बोधस्य जब उठें, जागें, तो जागृति की अवस्था में जागें। जागृति उसको कहते हैं जिसमें कि पिछली कोई यादें नहीं होती। युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुख, दुख नाशक होता है। फिर वो आगे कहते हैं, इसी छठे अध्याय में कहते हैं, बहुत ही सुंदर एक श्लोक है कि हमें सभी को, हम सभी को, तुम सभी को, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उन सभी को कुछ चीज़ें जीवन में उतारनी पड़ेंगी। क्या? आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि बिल्कुल परमहंस जैसा जीवन हो। मैं श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो भगवान कृष्ण गीता में कह गए हैं, छठे अध्याय के छठे श्लोक में। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम उसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो। बहुत सारे लोग दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो हमारा उद्धार करेगा, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। नहीं नहीं नहीं, अपना उद्धार स्वयं करो। अपना, अपने लिए रास्ता स्वयं चुनो। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम उसादयेत। अपने आप को उसाद में न जाने दें, निराशा की गढ़ी में न जाने दें। आत्मै हु आत्मनो बंधु, आत्मै रिपु आत्मनः। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। आपके अंदर ही मित्र बैठा हुआ है, आपके अंदर ही शत्रु बैठा हुआ है। आपका मन ही आपको बार बार दुष्टता की ओर ले जाएगा, आपका मन ही बार बार आपको सत्प्रवृत्तियों की ओर ले जाएगा। तो ये अगर आ जाए जीवन में तो कितना विलक्षण हो जाए मित्रों। तो ये एक श्लोक ऐसा है जो जीवन का सूत्र बनना चाहिए। बंधु आत्मा नस्तस्य येनात्मा ही आत्मना चेत, आत्मा अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेतात् मेव शत्रुवत्। ये छठा श्लोक है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो ये मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश है। मित्रों, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये गीता में सब दिया हुआ है, गीता में सब कुछ है। कई लोग कई प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं, कई लोग कई प्रकार के शास्त्र पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ आप केवल गीता पढ़ लीजिए, बस गीता को जीवन में उतार लीजिए बस, तो आपको देखते देखते पता चलेगा कि श्री कृष्णा अवतार आपके जीवन में उतर गए। भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ी चीज़ जो दी है हमें, जो भेंट की है हम सबको, वो है पूरे विश्व मानवता को, वो है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि हम गीता शास्त्र को जीवन में उतार लें और भगवान कृष्ण को यदि हम केवल लीला पुरुष न मानकर, भगवान श्री कृष्ण वैसे लीला पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम माने जाते हैं और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद लीला पुरुषोत्तम आए और लीला में इन्होंने सब करके दिखाई, गोपियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, गायों के साथ, गोपेश्वर कहे जाते हैं उनके माध्यम से, गौ गौ रक्षा एक व्रत लिया जाता है।
आज के दिन हम लोग एक काम कर रहे हैं, पूरे देश में हम लोग स्मृति उपवन 50-50 एकड़ के जगह जगह स्थापित करेंगे। आज के दिन से हम एक और काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम कि जो जितने भी हमारे उपवन हैं उन सब उपवनों में गौशाला अवश्य हो, और किसी भी हालत में गौशाला के साथ साथ वहाँ पर जड़ी बूटियाँ हों और वन वन स्मृति उपवन लगे। ये पूरे देश में जितने बन सकते हों, अभी तो हमने संकल्प लिया है 50 का, 50 से ज़्यादा 100, 100 से ज़्यादा 500, 500 से ज़्यादा 5000, पूरे देश में अगर बने तो इसमें जन्माष्टमी से ही है। जन्माष्टमी से साधना का व्रत लेते हैं, साधना करते हैं और साधना करके अपने जीवन को महान बनाते हैं। भगवान कृष्ण गायत्री के उपासक थे, और जब वो 12 साल के लिए रुक्मणी के साथ बद्रिकाश्रम गए तो वहाँ उन्होंने एक 12 साल का एक अनुष्ठान किया। श्रीमद गायत्री का पूरा का पूरा उन्होंने अनुष्ठान किया, और वही अनुष्ठान उनके जीवन के लिए भी, अवतार को क्या ज़रूरत है, वो तो पूरी शक्ति लेके आया नहीं, पर अवतार को भी ज़रूरत पड़ती है, सब साधनाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो उन साधनाओं को करके भगवान कृष्ण ने एक माहौल रखा, एक नमूना रखा, एक सैंपल रखा, ये अगर होगा तो आप लोगों को भी विजय मिलेगी। आप भी अनुष्ठान करिए, आप भी जप कीजिए गायत्री का। गायत्री जो है वो सब के सब समस्त शक्तियों का सिरमौर है। यदि आप गायत्री की वो करेंगे, साधना करेंगे, तो आपको मिलेगा, शक्ति का स्रोत मिलेगा। मित्रों, इसीलिए आज हम जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल मक्खन खाने के लिए नहीं मनाते, केवल पंजीरी खाने के लिए नहीं मनाते, हम केवल रासलीला करने के लिए नहीं मनाते। कई जगह ऐसे यही होता है, बस ये क्रम होता है। हम मनाते हैं भगवान कृष्ण के आदर्शों को, गुणों को जीवन में उतारने के लिए। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब खूब मंगल कामना और खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।